हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसी और मार्क्स चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन है, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मान लेते हैं लाइक दिस, कोई इस तरह से कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन जो है टाइम के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है। मतलब आप देख सकते हैं, मान लिया टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे शुरू में, मतलब इनिशियली ये लगभग अगर आप इसे एक ऑलमोस्ट अगर 15 मीटर मान लेते हैं, तो 15 मीटर के डिस्टेंस पे पार्टिकल खड़ा है। मतलब कि मान लेते हैं अगर ये ओरिजिन आप मान रहे हैं, तो पार्टिकल शुरू में जो है, पार्टिकल जो बॉडी आप मूव जो आप ये एज्यूम कर रहे हैं वो एक्स इक्वल टू प्लस 15 मीटर पे है। क्लियर बात है, एक्स इक्वल टू 2 पे 2 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन जो है, 2 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन जो है वो लगभग मान लेते हैं 9 मीटर पे है। 2 सेकेंड के बाद ये आपका शुरू में उसका पोजीशन था, 2 सेकेंड के बाद 9 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 15 मीटर हो गया, 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो है मान लिया 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब एक्स इक्वल टू प्लस 9 मीटर, ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका पोजीशन है, एंड लाइक दिस। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि पार्टिकल जो इस तरह से मूव कर रहा है, नहीं इस तरह से मूव नहीं कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे ही, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेकिन उसका पोजीशन जो है वो टाइम के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पार्टिकल इस पर मूव कर रहा है, इस पाथ पर मूव कर रहा है। क्लियर बात है नाउ। तो अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है वो हम लोगों को चूज करना है, एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो 6 बार रेस्ट में आया है, 6 बार रेस्ट में आया है। रेस्ट में आया कहने का मतलब, पहला ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं, रेस्ट कहने का क्या मतलब आया, उस समय उसका वेलोसिटी जो है 0 हुआ है। क्लियर है, उसका स्पीड 0 हुआ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हुआ, वो रेस्ट में आया है, रुका है। क्लियर बात है, 6 बार रेस्ट में आया है। तो इसे हम लोग कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, यहां पर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, हम लोगों को पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम आपका ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज टाइम एक्सिस। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्लियर बात है, तो कैसे रेस्ट में आया है, कब कब रेस्ट में आया है, उसके लिए हम लोगों को देखना होगा वेलोसिटी हम लोगों को क्या देता है, जो स्लोप हुआ वही वेलोसिटी देता है। जहां पे स्लोप, ये टैन थीटा से हम लोग स्लोप निकालते हैं, थीटा क्या होता है आपका एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा होता है। क्लियर है, आप ये कैलकुलेट कर देते हैं, यही आपका वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी कब कब 0 हुआ ये हम लोगों को चेक करना है कि क्या वो 6 बार वेलोसिटी 0 हुआ है। क्लियर बात है, वेलोसिटी 0 कहने का मतलब है कि जाहिर सा बात है थीटा मेरा 0 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 0 मतलब कि ये तभी होगा जब थीटा 0 होगा, क्योंकि टैन 0 का वैल्यू होता है 0। क्लियर बात है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा स्लोप जो है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोगों को स्लोप देखना होता है किसी भी पॉइंट पर, तो हम उस पॉइंट पर क्या करते हैं, सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। क्लियर बात है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर जो मेरा टेंजेंट है 6 बार एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब ये टाइम एक्सिस के यहां पर पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, इसका मतलब है कि उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब आप इस पॉइंट पर, यहां पर आप जब टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट जो होगा ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब इस केस में ये टाइम एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, इसका मतलब है कि यहां पर स्लोप मेरा 0 होगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट को आप मान लिया पी नाम देते हैं, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल 0 उस रेस्ट में आया होगा, उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहां पर भी, अगर आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर भी आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये भी टेंजेंट आपका पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के साथ, मतलब थीटा 0 होगा, मतलब टैन 0 0 मतलब वेलोसिटी यहां भी 0 अगर ये पॉइंट क्यू, तो इस क्यू पॉइंट पर भी पार्टिकल जो है रेस्ट में आया होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं ये आर पॉइंट, यहां पर, यहां भी ये टेंजेंट आपका पैरेलल में आएगा पी क्यू आर एस, यहां भी आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टी, और यहाँ इस पॉइंट पर भी आप देख सकते हैं जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के एस टी यू। तो 6 पॉइंट है पी क्यू आर एस T,
टी यू, जहां पर टेंजेंट मेरा पैरेलल हो रहा है टाइम एक्सिस के, मतलब थीटा जीरो हो रहा है, थीटा जीरो होगा मतलब टैन जीरो जीरो होगा, मतलब स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, मतलब इतने जगह पर पार्टिकल जो है रेस्ट में आया होगा, मतलब जो कि छह बार हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पार्टिकल जो है छह बार रेस्ट में आया है। दूसरा स्टेटमेंट है द मैक्सिमम स्पीड इज एट टी इक्वल्स टू 6 सेकंड, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 6 सेकंड है। अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप हम देख लेंगे। t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे अगर स्लोप मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है स्पीड मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, मतलब इस पॉइंट पर हमको देखना है कि पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम है या नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ लाइक दिस, ऐसा कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, अब ये जो टेंजेंट है, ये एंगल हम दिखा रहे हैं आपको थीटा, क्लियर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल आपका है थीटा। t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको मतलब स्पीड चेक करना था, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए। ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर का स्पीड हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, एट t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, टेन थीटा। थीटा एंगल अगर बना रहा है तो ये थीटा एंगल अगर बना रहा है तो क्या ये मैक्सिमम है। तो सिंपल हम देख लेंगे भाई स्लोप मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, बाकी जगह देखते हैं। देखिए बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अगर ये एक पॉइंट आप कंसीडर करते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर जब आप स्लोप इस टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा इस एंगल का वैल्यू इससे कहीं ज्यादा होगा, थीटा से ज्यादा होगा। मतलब अगर इस आप एंगल को अल्फा लिखते हैं तो अल्फा जो है थीटा से बड़ा होगा, इसका मतलब उस पॉइंट पर स्लोप जो होगा मतलब टेन अल्फा वो टेन थीटा से बड़ा होगा। मतलब यहां पर का जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट पर के स्लोप से ज्यादा होगा, मतलब यहां पर पार्टिकल का स्पीड जो है इससे ज्यादा है। देखिए अगर ये लगभग आप 2 सेकंड पर आप इमेजिन करते हैं, ऑलमोस्ट मान ली यहां पर आप अगर इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तो ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, उस केस में क्या हो जाएगा 10-90 degree, जो कि अल्फा से भी बड़ा हो गया। तो इस पॉइंट पे आप कहेंगे कि यहां पर स्पीड और ज्यादा है। कहने का ये मतलब है कि 6 सेकंड पे पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम नहीं है, इससे ज्यादा स्पीड आपका अगर आप ये जेड मानते हैं तो जेड डैश पे इसका स्पीड और ज्यादा है। जेड डैश अगर आप इस पॉइंट को जेड डबल डैश मान रहे हैं तो इस पॉइंट पर स्पीड और ज्यादा है। कहने का मतलब है कि वी जेड से ज्यादा स्पीड है वी जेड डैश पे और उससे भी ज्यादा स्पीड है वी जेड डबल डैश पे। कहने का मतलब है कि टी इक्वल्स टू 6 सेकंड पे स्पीड मैक्सिमम नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट मेरा गलत हुआ। क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है द वेलोसिटी रिमेंस पॉजिटिव फॉर टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 6 सेकंड। ये 6 सेकंड का जो पीरियड है जहां पर पार्टिकल का पोजीशन इस तरह से चेंज किया है, वेलोसिटी देखना है तो सब जगह टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाल लीजिए, वेलोसिटी भी पता चल जाएगा कैसे कैसे वेरी किया है। तो कह रहा है कि क्या इस पीरियड में वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रहा है। कहने का मतलब कि क्या पार्टिकल का मोशन जो है हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ रहा है। तो नहीं रहा है। ये देखिए आगे बिना डिस्कशन कुछ किए बिना, जैसे ही हम लोग शुरू में ही देखिए, जैसे कोई दो केस हम देखे थे कि भाई शुरू में टी इक्वल्स टू 0 पे 15 मीटर पे है, 2 सेकंड के बाद देख रहे हैं 9 मीटर पे आ गया है। शुरू में यहां पर था पार्टिकल, मतलब यहां पर था और 9 मीटर पे ये आया कैसे, निश्चित रूप से अपना ये डायरेक्शन चेंज किया होगा, ये इधर मूव किया होगा तभी तो इधर आया। तो जब वो इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। वेलोसिटी हमेशा, ये कह रहा है कि वेलोसिटी रिमेंस पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव हुआ है। और आप इसको स्लोप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, जब जब आपका स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, जब स्लोप नेगेटिव तो आप नेगेटिव। आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर हम लोग निकालें जेड पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव, सी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। चलिए वी जेड ये आपका पॉजिटिव है, चूंकि स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा पॉजिटिव, यहां पर थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, ठीक है ना, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह वी जेड डैश भी, यहां पर भी जो वेलोसिटी होगा जेड डैश पॉइंट पे ये भी पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी वही बात है
क्योंकि यहां भी स्लोप जब निकालेंगे तो जो एंगल है आपका अल्फा, अल्फा जो एंगल है ये जीरो से थीटा है, तो अल्फा जो एंगल है जीरो और 90 के बीच में है, चलिए इसलिए वहां भी स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन बहुत जगह स्लोप आपका नेगेटिव है, जैसे मान लिया अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करें, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट को के पॉइंट अगर मानते हैं, तो देखिए इस पॉइंट पर जब आप स्लोप ड्रॉ करेंगे, स्लोप ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, तो इस तरह का स्लोप आएगा, इस तरह का स्लोप आएगा। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब जो कि यहाँ पर टाइम एक्सिस है, तो ये टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल दिस विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब ये एंगल अगर आप बीटा कहते हैं तो, बट अगर आप वेलोसिटी एट के पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब वी के, इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं वेलोसिटी एट पॉइंट के, ठीक है, स्पीड एट पॉइंट के, ठीक है ना, तो यहां पर ये जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इस केस में जो टेंजेंट जो एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा, मतलब यहां पर ये टैन बीटा जो है, टैन बीटा मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बीटा का वैल्यू जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। क्लियर है? थोड़ा बहुत मैथ का कंसेप्ट यूज हो रहा है जो कि पता है आप लोगों को, ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं नेगेटिव है। उसी तरह और भी आपको बहुत सारा और भी एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे मान लिया आप इस पॉइंट पर भी कंसीडर करेंगे एल पॉइंट, यहां पर भी जब आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से और भी पॉइंट आपको मिल सकता है, के आसपास का भी, अगल बगल का भी पॉइंट मिलेगा जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव रहा है। वेलोसिटी नेगेटिव रहा है इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव नहीं रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन मेरा गलत है। क्लियर है? चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। डी में कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड, एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट क्या होता है हम लोगों को पता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल पीरियड, मतलब उस टोटल पीरियड में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट रहा, क्या डिस्प्लेसमेंट रहा, और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। क्लियर है? जो पीरियड है, जो टाइम इंटरवल है, तो इस टोटल पीरियड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है? तो ऑलमोस्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट का जहां तक बात है, तो डिस्प्लेसमेंट हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल देखते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। क्लियर बात है? तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, 15 मीटर प्लस 15 मीटर इसका ऑलमोस्ट ये एज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल स्केल तो हम लोगों को दिया नहीं गया है ग्राफ में, एक रफ स्केच दिया गया है ग्राफ का, तो अगर एज्यूम करते हैं कि 15 मीटर, तो ये लगभग आप इस तरह से जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लगभग 15 मीटर पे आता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। उस केस में हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड, या उस केस में पहले तो ये समझिए कि उस केस में ऐसा लगता है कि भाई ये 15 मीटर पे है या 14 मीटर पे है, जो भी है, और फाइनल जो पार्टिकल का जो पोजिशन आया ये भी लगभग 15 मीटर पे है, ये भी लगभग 15 मीटर पे है, ऐसा ग्राफ को प्राइमा फेसी पहली बार देखने से ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से इनिशियल पोजिशन पार्टिकल जो है, पार्टिकल का स्पीड घटा बढ़ा, डायरेक्शन चेंज हुआ, स्लोप कभी पॉजिटिव हुआ, कभी नेगेटिव हुआ, कभी पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया, कभी इस डायरेक्शन में गया, कंसेप्ट फिर भी क्लियर, लेकिन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन रहा है, कभी इधर गया कभी उधर गया, फाइनली ये शुरू में यहां से मूव करना शुरू किया था 15 मीटर पे, काफी घूमने फिरने के बाद वापस ये यहीं पे चला गया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब टाइम इंटरवल से इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हुआ, क्योंकि इसमें कहा है कि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट आंसर इसका हो गया, फाइनली जो इसका आंसर हुआ दिस इज योर ए, ए इसका आंसर हुआ। वन थिंग, सेकेंड थिंग जो यहां पर हम बताना चाहेंगे, अब क्या है कि जैसा कि हम आपको बताएं कि ग्राफ जो दिया गया है, ग्राफ जो दिया गया है तो एक्चुअल स्केल पे दिया नहीं गया है, ये हम लोग रफली एक मान के चल रहे हैं कि लगभग ये 10 और 20 के बीच में है, तो 50 मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब जो ग्राफ आपको बुक में दिया गया है आप उसको स्केल से आप जब देखेंगे तो इनफैक्ट ये अगर इसको आप 15 मान रहे हैं तो ये 15 से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ये 15 से थोड़ा सा नीचे जाएगा उस केस में आप देखेंगे, तो उस केस में एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी मेरा जीरो नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग यहां पर क्या था कि जहां तक एक जो कहा जाता है कि आंसर मिला है,
आंसर मिलाने वाली बात है, उस लिहाज से चूंकि आंसर इसका दिया गया है ए आंसर दिया गया है, उस लिहाज से आंसर मिलाने के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी को जीरो हम लोग एक रफली मान के कि ये इनिशियल जो पोजीशन है वही इसका फाइनल पोजीशन भी लग रहा है कि ये भी 15 पर ही आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो बुक में जो ग्राफ दिया गया है उसको जो आप मेजर करेंगे स्केल से पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा नीचे आता है। तो उस केस में क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर मिलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस केस में आपका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा, मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन 15 है, फाइनल पोजीशन मान लेते हैं दिस इज 11, ठीक है, ये 11 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लाइन में पैरेलल ये ड्रॉ किए तो ये मान लेते हैं ये 11 पे इसका फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन 15 पे था, मान लेते हैं ये जो टाइम आया 7 पे आया, क्लियर बात है, ये 7 पे आया, तो उस केस में देखिए एवरेज वेलोसिटी जो आपका होगा, ऑब्वियस है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या है उसका प्लस 15 मीटर से चला घूम फिर के आगे पीछे करने के बाद ये कहीं पे पार्ट के यहाँ पे आ गया है 11 मीटर पे आ गया, क्लियर है। तो फाइनल पोजीशन है +11 में से माइनस इनिशियल पोजीशन घटाएंगे, इनिशियल पोजीशन क्या है माइनस इनिशियल पोजीशन है +15 डिवाइडेड बाई, अगर ये टाइम इंटरवल यहाँ पे हम 7 माने हैं देन दिस इज डिवाइडेड बाई 7, क्लियर है। नाउ दिस बिकम्स 11 माइनस 15 माइनस डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, जो भी इसका वैल्यू आएगा, क्लियर स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं कंसेप्ट फिर भी क्लियर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नया आना है और इसी में बनाने का मतलब है, सीधा मतलब है, ऐसा नहीं कि आंसर मिलाना है, बस आंसर मिल गया बस हो गया चलो आगे बढ़ गए, नहीं, कंसेप्ट क्लियर करते हुए जाना है, क्लियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, थैंक यू।